हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप के डीपी पे अपने फुल फ़ोटो को कैसे सेट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि जब हम फ़ोटो डालते हैं तो हमारा फ़ोटो कैसे पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाता है। तो मैं सेट करके दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये फ़ोटो पूरे तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है। इसको क्रॉप करना पड़ेगा, तभी ये सेट हो पाएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इस फ़ोटो को फुल साइज़ पे कैसे सेट कर सकते हो अपने व्हाट्सएप डीपी पे। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे चले जाइए और वहाँ पे सर्च करिए पिक्सआर्ट, PixArt, पिक्सआर्ट। फिर इसको सर्च कर लीजिए, फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा पिक्सआर्ट। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, बट अपडेट नहीं है, इसलिए मेरा अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं अपडेट कर लेता हूँ डाउनलोड के बजाय। आपको वहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाएगा, तो इससे मैं अपडेट होने देता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ये प्लस टाइप का आइकन दिखा रहा है, उसको दबाइएगा। फिर यहाँ पे जो फ़ोटो को आप लगाना चाहते हो अपने व्हाट्सएप डीपी पे, जो पूरे तरीके से सेट नहीं हो पा रहे, तो उस फ़ोटो को यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेना है। जिस मेरा फ़ोटो ये है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। फिर यहाँ आपको दिखेगा फिट करके ऑप्शन, तो इसको टैप कर लेना। फिर आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर आपका रेशियो कुछ अलग है तो आपको यहाँ से रेशियो में टैप कर लेना है। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका स्क्वायर पे होगा। अगर आप दूसरे जगह पे अपलोड करना चाहते हो फ़ोटो, तो उसके हिसाब से स्क्वायर पोर्ट्रेट स्टोरी वाला भी कर सकते हो। आप यहाँ से भी स्क्वायर कर सकते हो या फिर यहाँ से भी, दोनों में करोगे व्हाट्सएप में सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको बैकग्राउंड चूज़ करना है। आप कुछ भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो, ये यहाँ से भी कर सकते हो या फिर कलर वाला से भी कर सकते हो। ये तो ब्लैक वाला बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा दिखता है, या फिर आप इमेज वाला भी रख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं, या फिर यही वाला इमेज को आप पीछे में लगा सकते हो। यहाँ पे से ब्लर वाला ऑप्शन है, तो इससे आप स्लाइड करके देख सकते हो कितना ब्लर पीछे रखना चाहते हो। इसे मैं अपना बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक रखता हूँ। तो फिर आप जो चाहे आप बैकग्राउंड को पीछे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे टिक ऑप्शन पे दबा देना है। फिर आपको ये एरो बटन पे प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा सेव करने का, तो यहाँ पे सेव बटन दबा देना है। फिर सेव पिक्चर ऑन योर डिवाइस करना है। फिर यहाँ पर ऐड वैक दिखाएगा, उसको कट कर लेना है। कट कर लिया तो सेव टू गैलरी, मतलब ये आपका फ़ोटो सेव हो चुका है। तो आपको यहाँ से सिंपली डन कर देना है। फिर इसको बंद कर देना है। फिर आपको व्हाट्सएप पे जाना है। जैसे व्हाट्सएप का डीपी चेंज करते हो वही करना है। अब ये थ्री डॉट पे जाओ, फिर सेटिंग पे जाओ, फिर अपना व्हाट्सएप का डीपी चेंज करने के लिए बजाओ। फिर ये हमने फ़ोटो बनाया था वो दिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप जो आपने पिक्सआर्ट से बनाया था वो फ़ोटो को। फिर आप ये देख सकते हो, आप अपने फ़ोटो को पूरे तरीके से सेट कर सकते हो। आपका फ़ोटो पूरा सेट हो जाएगा। फिर इसको डन कर देना। फिर ये आप देख सकते हो, आपका पूरा फ़ोटो सेट हो चुका है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो अभी के लिए गुड बाय।